शेडिंग शेडिंग से पहले हमें दो चीज जो है वो सीखनी पड़ेगी और उसके बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा, वो है शेप और फॉर्म। शेप और फॉर्म क्या होता है? अब जैसे ये बॉटल है, अब इस बॉटल की शेप क्या है? ये इस बॉटल की शेप है, पर जहाँ पर फॉर्म की बात होती है वहाँ हम इस बॉटल को इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट का जो डायरेक्शन है, जैसे इसमें मैंने टॉप एंगल से लाइट का वो फोकस किया है। अब लाइट जो है वो इस एरिया को ज़्यादा लाइट दिखा रही है, इसको मैंने वाइट कलर से पेंट किया है ताकि आप देख सकें कि यहाँ पर देखो इस वाइट में जो वेरिएशन आ रहा है। अब ये आउटलाइन जो है, लाइन ड्राइंग जो है, पिछले हमने जो स्केच बेसिक में जो बेसिक स्ट्रोक के थ्रू और बहुत सारी जो एलिमेंट्स बना रहे थे कि किस किस तरीके से हमें एलिमेंट को बनाना चाहिए, 2D और 3D शेप क्या है, तो ये जो ये बॉटल की शेप है ये हमें पता चला ऊपर की और बिल्कुल छोटा है, जो इसकी जो गर्दन है वो छोटी है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये बड़ा होता जा रहा है और फिर और बड़ा हुआ और थोड़ा सा ये कर्व आता है इधर, फिर नीचे जाके एकदम और छोटा हो जाता है। पर इसको फॉर्म के थ्रू कैसा देखा जाए कि इसका फॉर्म क्या है, वो ऐसे देखेंगे हम कि यहां पर देखो ये लाइट का जो पोर्शन बिल्कुल एकदम डार्क है और जो नीचे जो इसके सरफेस में पड़ रहा है वो एरिया बिल्कुल एकदम डार्क है, ये पूरा जो आपको दिख रहा होगा ये डार्क है ना, वहीं जहां पर लाइट है वो वहां पर लाइट हो रहा है और जहां पर एकदम हैवी लाइट पड़ रही है वो एरिया देखो एकदम वाइट है। तो ये सारी चीजें जब हम पेंसिल के थ्रू जब हम लाते हैं इनको ऑब्जर्व करके और हम पेंसिल की शेडिंग के थ्रू लाते हैं तो इस बॉटल का जो फॉर्म है, जो ओरिजिनल जो फॉर्म है वो हमें दिखाई देता है। अब सेम बॉटल को जब हम से क्या होता है कि आपको पता चल रहा है कि वास्तव में इसका जो फॉर्म है वो है क्या, और जैसे जैसे हम इसकी जो लाइट शेड को जो डिटेल में हम देते जाएंगे तो इस बॉटल का जो फॉर्म है वो हमें दिखने लगेगा। ये शेप है और ये फॉर्म है पूरा कि इस बॉटल के जो फॉर्म है वो है क्या। जैसे जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, आप ठीक से ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको 3D ड्राइंग बनाने में आसानी होगी। अभी पहले स्टार्टिंग में बेसिक में आपको ऐसे ही लाइन ड्राइंग करनी है, फिर उसके बाद इसको ऑब्जर्व करना है इसकी लाइट क्या है, शेड का है। और कोई भी घर में एलिमेंट हो उसे धूप में रखो, लाइट में रखो और किसी एक साइड से लाइट का वो करके फोकस करके फिर उसको स्टडी करो कि उसकी शेडो कहाँ पर कितनी लंबी पड़ रही है। अब जैसे ये एक बॉक्स है, आपने लाइट को यहाँ पर रखना है, जैसे मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लीजिए, फिर आप देखिए कि इसकी जो शेडो है वो कितनी लंबी जा रही है, उसे ऑब्जर्व करिए। और शेडिंग की टेक्निक धीरे धीरे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसी शेडिंग होती है।
जैसा कि मैंने बताया था कि जो शेप और फॉर्म में अंतर होता है, फॉर्म जो लाइट से जो उसका जो थर्ड डायमेंशन हमें दिखता है, ये उभरा हुआ है, ये मतलब पास है, और ये जो एकदम डार्क है तो ये पीछे की साइड है जहां तक लाइट नहीं पहुंच रही है। आप ये देखिए, ये दो अलग अलग बॉटल हैं जो मैंने कलर किया हुआ है डिफरेंट कलर से, ये डार्क कलर है और ये लाइट कलर है। अब लाइट जरूरी है कि लाइट कलर में ही हमें ये सारे शेप दिखाई दे रहे, डार्क कलर में भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये लाइट दिख रहा है और ये एकदम डार्क है, तो इसमें क्या होगा, इस सिचुएशन में हम इस बॉटल को और डार्क कर देंगे, कि जैसे आपने ये देखा, इसका मतलब है ये तो है नहीं कि लाइट यहाँ पर है नहीं और या फिर इसका फॉर्म दूसरा है, पर ये वेरिएशन होता है। ये देखिए, यहाँ पर कम डार्क है और ये डार्क कलर है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, रिफ्लेक्ट करने वाला एरिया बहुत कम है, तो ये रहा। और जहाँ पर एकदम लाइट बिल्कुल पहुंच ही नहीं पा रही, वो एरिया और डार्क होगा कुछ इस तरीके से। तो ये धीरे धीरे आपका ऑब्जर्वेशन है जो धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा, और प्रैक्टिस करने पर और आगे और अच्छा कर सकते हैं आप।